गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं 11th क्लास की हिंदी से काव्य खंड के चैप्टर 2, जिसके कवि हैं सूरदास जी। 3 इस पहले पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। जब बच्चे एक साथ खेलते हैं और श्री कृष्ण हार जाते हैं तो वे अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। यहाँ सूरदास जी ने कृष्ण की बाल मनोविज्ञान का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है। जब वे हार जाते हैं और अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं तो तब सुदामा उनसे गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें बातें कहते हैं। खेलन में को काको गुसैया, गुसैया का अर्थ होता है बड़ा, कि खेलने में। अब सुदामा श्री कृष्ण को कहते हैं कि खेलने में कोई भी बड़ा नहीं होता। हरी हारे जीते श्रीदामा, जो खेल खेल रहे थे उसमें हरी हरी कौन है, श्री कृष्ण तो हार जाते हैं और सुदामा जी जीत जाते हैं। बरबसी कत करत रिसैया, रिसैया का अर्थ होता है गुस्सा करना, कि तुम तो बेकार में ही गुस्सा हो रहे हो। जाति पाति हमते बढ़ना ही, सूरदास जी कहते हैं कि सुदामा श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी जाति भी हमसे बड़ी नहीं है। ना ही बसत तुम्हारी छैया, छैया का अर्थ होता है तुम्हारे आश्रय में या तुम्हारे तुम्हारे उसमें रहते हैं, तुम्हारे दबाव में रहते हैं, कि ना तो तुम्हारी जाति पाति हमसे बड़ी है और ना ही तो हम तुम्हारे आश्रय में रहते हैं। अति अधिकार जनाव अति आते जाते अधिक तुम्हारे गैया। अब सुदामा जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम बार बार रूठ जाते हो, तुम ज्यादा अधिकार इसलिए जता रहे हो कि तुम्हारे पास हमारे से ज्यादा गाय हैं। रूठे ही करे तासो को खेले, रहे बैठी जैते गवैया। अब सूरदास जी कहते हैं कि सुदामा कृष्ण से कहते हैं कि तुम अपनी हार स्वीकार कर लो और कि तुम जबरदस्ती क्रोध कर रहे हो, न तो तुम हमसे श्रेष्ठ हो। सूरदास जी कहते हैं भगवान कृष्ण बेशक गुस्सा हो किंतु वे फिर भी खेलना चाहते हैं, इसलिए वे सुदामा को दांव देने को तैयार हो गए, परंतु वे स्वयं को झूठा सिद्ध होने नहीं देना चाहते और नंद बाबा की दुआई देना भी नहीं भूलते। अब वे खेलना तो चाहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण खेलना तो चाहते हैं और उन्हें दांव देकर सुदामा को दांव देने का को तैयार हो गए, लेकिन वे अपने आप को झूठा भी सिद्ध नहीं होने देते और नंद बाबा की दुआई देना भी नहीं भूलते। अब नेक्स्ट पद है इसका, इसमें जो गोपियां हैं आपस में अपनी सखी से कृष्ण की मुरली के प्रति अपना गुस्सा प्रकट कर रही है कि जब से इनके पास मुरली आई है ये तो इसे ही अपने ओटों से लगाए रखते हैं, हम तो इनके दुश्मन हो गए हैं, ये इसने इन्हें अपने वश में कर लिया है, जैसे चाहती हैं वैसे ही इन्हें नचा रही हैं। इसलिए गोपियां इस पद में मुरली के प्रति अपनी ईर्ष्या भाव को प्रकट कर रही हैं। मुरली तऊ गोपालई भावती, अब गोपियां कहती हैं सखी सुनो, कृष्ण को तो मुरली अच्छी लगती है, भावती का अर्थ है अच्छी लगती है। सुनीरी सखी जदपी नंदलालई नाना भाती नचावती, ये कह रहे कि जब देखो सखी सुनो, जबकि ये नंद के लाल श्री कृष्ण को अनेक तरह के नाच नचाती रहती है। राखती एक पाई ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती, और ये उसे एक पैर पर ही खड़ा करके रखती है, अति अधिकार जनावती और उस पर अपना अधिकार जना जताती है। कोमल तन आज्ञा करवाती, और जो इनका कोमल शरीर है उससे अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। कटी होती है कमर टेढ़ी आवती, और उनकी कमर को भी टेढ़ा कर कर रखती है। अति अधीन सुजान कनोड़े गिरधर नार नार नवावती, आपुन पोड़े अदर सज्जा पर कर पल्लव पुरकाती, ये कहा कि जो श्री कृष्ण ने इन्हें अपने अधीन इतने अधीन कर लिया है कि जो पर्वत तक को धारण कर लेता है, पर्वत तक जिसने उठा लिए, वही श्री कृष्ण उसके संकेत पर अपनी गर्दन को झुका लेते हैं, जैसे उनकी कृपा पर में दबे हो या कोई एहसान है जिसके बदले वो झुका रहे हो, कि जैसा भी वो चाहती है ऐसा ही वो काम कर रहे हैं, ऐसे ही नाच नाच रहे हैं जैसे वो किसी उनकी दबाव में हो। बुकटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती, अब ऐसा उनकी जो जब वे बुंडली बजाते हैं तो उनकी जो भुएं होती है और जो उनके नेत्रों के जो
नयन होते, नेत्र और जो उनके नाक के जो पुट होते हैं वे कैसे हो जाते हैं, आंखें तिरछी हो जाती हैं, भोए भी तिरछी हो जाती है और ऐसे लग रहा है सूर प्रसन्न जाको एक छिन धरते शीश डुलावती, जैसे वे हम पर क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वे हम पर गुस्सा कर रहे हैं। जाको एक छिन अभी एक भी छिन एक भी पल धरते शीश डुलावती, उसे अपने सिर से अपने उसे अपने से अलग नहीं होने दे रहे हैं।